एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड डिसेबिलिटी एवं ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन के तत्वाधान में यूनिसेफ, DMER, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन और कॉमनवेल्थ हेल्थ प्रोफेशंस एंड पार्टनर्स अलायंस के सहयोग से 10 दिसंबर से 12 दिसंबर को वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान कॉमहार्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उदय बोधनकर द्वारा दी गई है। कॉमहार्ट की नींव सन 1983 में कॉमनवेल्थ फाउंडेशन द्वारा रखी गई। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन विश्व के 54 कॉमनवेल्थ देशों का संगठन है। कॉमनवेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाली अनेकों संस्थाओं में से कॉमहार्ट एक गैर शासकीय सेवा संस्था है। यह संस्था स्वास्थ्य के विकास और बीमारियों से बचाव हेतु विशेष रूप से कार्यरत है। कॉमहार्ट संस्था सन 1990 से WHO से आधिकारिक रूप से संलग्न है और काफी लंबे समय से WHO की भागीदार रही है। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन की अधिष्ठात्री परम आदरणीय सम्राज्ञी एलिजाबेथ है। कॉमहार्ट अनवरत रूप से विश्व के समस्त 54 कॉमनवेल्थ देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के विकास, स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी जानकारी और शिक्षा के आदान प्रदान में कार्यरत है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और अनुसंधान द्वारा बीमारियों से होने वाली शारीरिक और मानसिक व्यथा से बचाव के लिए है। इस संस्था का समाज के गरीब वर्गों के स्वास्थ्य के उत्थान के लिए सदा ही प्रयास रहा है। बाइट ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन की नींव सन 1996 में डॉक्टर रमेश मेहता द्वारा रखी गई। इंग्लैंड में कार्यरत 65,000 भारतीय चिकित्सक इस संस्था के सदस्य हैं और यह संस्था वहां की अत्यंत प्रभावशाली स्वास्थ्य संस्थाओं में से एक है। चिकित्सा विज्ञान चर्चा सत्र का शुभारंभ 10 दिसंबर को प्रातः 9 बजे कार्यशाला से होगा, जो दोपहर 1 बजे तक चलेगी। विषय होगा दिव्यांग बालकों में COVID-19 के समय और उसके पश्चात पोषण संबंधी समस्याएं। इस कार्यशाला में टेली कंसल्टेशन, कुपोषण और मोटापा जैसी समस्याओं पर चर्चा और समाधान पर बल दिया जाएगा। 10 दिसंबर को ही भोजन अवकाश के पश्चात द्वितीय कार्यशाला रहेगी। विषय होगा शिशु विकास। इस कार्यशाला में जन्म से लेकर 1000 दिन की आयु के शिशुओं के विकास, पोषण, सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से संलग्न सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार निभानी है, इस पर गहन चर्चा होगी। 12 दिसंबर को प्रातः 8 से 12 बजे तक तृतीय कार्यशाला रहेगी। विषय होगा सेरेब्रल पाल्सी। यह कार्यशाला डॉक्टर विराज शिगाडे के चिल्ड्रन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल अजनी चौक वर्धा रोड पर आयोजित की जाएगी। यहां पर डॉक्टर विराज शिगाडे द्वारा सेरेब्रल पाल्सी पर किए जाने वाले ऑपरेशन का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। तत्पश्चात डॉक्टर सोफिया आजाद, डॉक्टर उमांजलि दमके और डॉक्टर मुद्रा जैसे विशेषज्ञ कार्यशाला के सहभागियों से चर्चा कर उनका मार्गदर्शन करेंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 और 12 दिसंबर 2021 को दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक वर्चुअल द्वारा आयोजित होगा। सम्मेलन का केंद्र विषय है COVID-19 के समय और उसके पश्चात दिव्यांगों में स्वास्थ्य संबंधी और अन्य समस्याएं। सम्मेलन में इन समस्याओं पर चर्चा और निवारण पर बल दिया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं से संलग्न सभी लोगों, बाल रोग विशेषज्ञ, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, शिक्षक, छात्र, मेडिकल ऑफिसर, यहां तक कि दिव्यांग बालकों के माता पिता का भी ज्ञानवर्धन होगा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विशेष आकर्षण होगा स्वर्गीय डॉक्टर पांडुरंगी व्याख्यान, जो बापियो इंग्लैंड अध्यक्ष डॉक्टर रमेश मेहता द्वारा किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किए गए वो हमने वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी किया, क्योंकि अभी कोविड है इसलिए हमने फिजिकल नहीं किया, लेकिन इसमें का 10 तारीख का जो वर्कशॉप है वो हमने हाइब्रिड किया है। वो IMA में 10 तारीख को 9 से 5 बजे तक दो यूनिसेफ स्वतंत्र वर्कशॉप है, जैसा पाटिल सर ने बताया। एक न्यूट्रिशन के ऊपर है, बच्चों में कुपोषित क्यों होता है न्यूट्रिशन के चलें, और एक अर्ली डेवलपमेंट चाहिए। ये दो वर्कशॉप 10 तारीख को IMA हाउस में पीछे के हॉल में है। वहाँ पर 100 ओनली वेयर अलग ओनली 100 मेडिकल ऑफिसर PHC से डॉक्टर संजय जायसवाल सर ने उसमें ये किया हमको सहयोग। और जो MPA स्टूडेंट है, जो मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कर रहे हैं, वो पूरे विदर्भ से महाराष्ट्र से आएंगे। वी आर नॉट अलाउंग मोर देन 100, बाकी लोग 500 लोग ऑन द वर्चुअल ज्वाइन होंगे। वो 10 तारीख हो गया। बाद में 11 और 12 तारीख को मैंने बताया 1 से 7 बजे तक, जैसा पाटिल सर ने बताया, वो कॉन्फ्रेंस 1 से 7 बजे तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, जिसमें पूरे 54 देश के जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स है, जो मेंबर्स है, नॉन मेंबर्स है, फैकल्टी है, चेयरपर्सन है, डेलीगेट है, मेडिकल ऑफिसर है, वो सब ज्वाइन होंगे वर्चुअल पे। बट दैट विल बी 1 to 7 PM। इनॉग्रेशन भी इवनिंग में वर्चुअल है, वैलिडिटी भी वर्चुअल है और कल्चरल प्रोग्राम वर्चुअल। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।